Si tratta di Fonte, delle Fonte, il club di Babbo. Si tratta di Fonte, delle Fonte, il club, il club. सिटी होम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत कर दिया। शहीदा की धरती फिरोजपुर विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का 115वां जन्म दिहाड़ा पूरे धूमधाम नाल सारा गढ़ी तो विशाल रैली कढ़ के मनाया गया, जिस विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सराड़ी, फिरोजपुर शहरी के विधायक रणवीर सिंह भुल्लर, देहाती के विधायक रजनीश दहिया और जीरा तो विधायक नरेश कटारिया समेत फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर अमृत सिंह प्रशासनिक अधिकारी हाजिर सन। इस रैली नूं कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सराड़ी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर अमृत सिंह ने बसंती रंग की पग बन के शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके उन्होंने कहा कि अज सानू सारियां नू यह प्रण लेना चाहिए है कि असी अपने देश के शहीदों लिए कुर्बानियां नू व्यर्थ नहीं जान देंगे, उन्होंने सुपनों नू पूरा करांगे। उन्होंने इस मौके होर की कुछ कहा, तुसीं भी सुनो। अज का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, की कहना चाहोगे इस बारे? अज बहुत शुभ मौका है और ये साडा गुड फॉर्चून है कि असी लैंड ऑफ मार्टर जी नूं कहने हैं, शहीदों की धरती दे विच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस सानू ये ऑपरचुनिटी मिली है कि आपां शहीद आजम भगत सिंह जी का बर्थडे इस तरीके दे नाल मना सकीए। इत्थे जिन्हें तुसीं देख सकते हो सारी क्राउड आई है, वो सारिया ने भगत सिंह जी की पग बंधी हुई है, जिस तरीके दे नाल उन्हां दी बंधी हुई सी, ते उन्हां भी एक तरीके दे नाल यही सोच चुकी है कि जिस तरीके दे नाल जज्बा शहीद आजम का सीगा, उसी तरह दा जज्बा इन्हां सारिया दे विच है। मैडम, इन्हां वल्लों एक संदेश दिता जा रहा पग बन के कि भगत सिंह दी सोच ते, चलो तुहाडे वल्लों कोई संदेश मैम? प्रशासन वालों यही है कि आप जी गुड क्वालिटी साढ़े फ्रीडम फाइटर्स सगिया वैलर की, करेज की, डिटरमीनेशन की और सच्चाई के नाल खड़न की, वो सारी क्वालिटीज अज के असी सारियां इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। ये साड़ी इंस्पिरेशंस ने जिहड़े साडे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्पेशली शहीद भगत सिंह जी, तो उही मैं आस करती हाँ, मैं भी ते तुसी भी ते सारे ही इन्हां क्वालिटीज़ नूं किसी तरीके दे नाल थोड़ा बहुत ज़्यादा जिन्ना भी कर सकीए इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। फिरोजपुर तो मनजीत सिंह की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।